मऊ जिले में दूध में पानी मिलाकर बेचने का काम जोरों पर चल रहा है और दूधिये इसे स्वीकार भी करते हैं। दूधिये दूध को 30 से 35 रुपए लीटर खरीदते हैं और 20 से 25 लीटर के दाम से बेचते हैं। सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि कोई 10 रुपए नुकसान सहकर कैसे बेच सकता है, लेकिन ये सच है क्योंकि दूध में धड़ल्ले से पानी मिलाकर 10 लीटर दूध को 10 लीटर बना दिया जाता है। और इसका तर्क ये है कि शहरी बच्चे शुद्ध दूध नहीं पचा पाते। दूध का दाम अभी आप लोग मिलावट कर रहे थे क्या? देखो ये भाई मिलावट का है, कोई जिम्मे मिलावट नहीं करते ना, ये कोई काम ना कर सकते। कितने का धंधा हो जाता है? दो ढाई सौ, दो ढाई सौ। कितना दूध बेचते हैं? 30-35। कितने लीटर का बेचते हैं? कितने दाम लीटर में बेचते हैं? 20-25-30। 20-25-30 रुपए लीटर में बेचते हैं? ऐसा क्यों बहुत कम रेट में बेचते का कोई जा भाई, मजबूरी बटे। तो जो ये दूध 20 रुपए लीटर का बेचते हैं और मार्केट में 40 रुपए लीटर मिलता है दुकानों पे, तो इसमें और उस दूध में क्या फर्क है? तो का कोई जा नहीं, फर्क कितना है का करने तो पानी डाल के पाऊंगा धंधा चलाते हैं अपन, जीत खाते हैं होता है। 10 का दूध लेके 15 के काल बन जा, 15 का दूध लेके बन जा। दूध है 15, दूध का कारोबार करते हैं। हां तो कितने का ये घर का दूध है या कैसा? नहीं आन का माल है, आन का है, दूसरे से खरीद के ले आए। क्या रेट में खरीदते हो? 35 रुपया। 35 रुपये और बेचते कितने रुपए लीटर? 20 रुपया 25 रुपया में गिर जाएगा। तो ऐसी क्या मजबूरी आपके पास है? मजबूरियों की वजह से आप 35 रुपए लीटर को 20 रुपए में बेचते हैं? असली मतलब कि दुकानदार है हमने के बाद तो चाय के होटल 20 रुपये लेबे करी, उससे बसी लेना और बाद खोवा जराव लगी तो उस गांधी जी हमने का हाँ जब खोवा जी तो पैसों काट दिए हमने का। हाँ जनता में देते हैं आप? ना हम गली गली भी देना, घूम घूम के मोहल्लों में देते हैं, घूम के बस फेरी से। हाँ थोड़ी हमको ना घूम के बांटे नहीं, 20 रुपए उनको लीटर देते हैं तो नुकसान नहीं होता आपको? नहीं असल में मान लीजिए पानी डाल जाए तो हमारे पास ही मिल जाए। अच्छा कितना पानी मिलाते हैं एक लीटर दूध में? एक लीटर हमको ना जोड़ने जा ना हमारे के माल पंद्रह दूध बा। आज दूध कितना है आपके पास? 15 किलो। 15 लीटर तो कितना आपने पानी मिला? 15 के माल 5 डाल जाए, 20 कर दिया जी तो मान ला के कुछ काट भी गया, 100 रुपये बच जी, कोई कोई 150 बच सकता, कोई नहीं बच सकता, कोई 40 सकता। अच्छा दूध में पानी मिला के बेचते हैं, आपको अच्छा लगता है ये काम करने में? अच्छा नहीं है, बाकी हम लोग मार्केट में हलेगा ना तो वो लोग दाम नहीं देगा। क्यों नहीं करता? कि मेरा लड़का बीमार पड़ जाता है, हम कह जी भैया बढ़िया दूध पैसा दे लो, बढ़िया दूध ले लो, तो कुछ लोगों में बना कि बढ़िया ले लिया। सुना आपने, कैमरे पर इस बात को बेधड़क स्वीकार करते हैं कि दूध में पानी न मिलाएं तो काम न चले। वही खाद्य विभाग का इस मामले पर रटा रटाया बयान है कि वो इस मिलावट की जांच कराएंगे। पूरे जनपद में रैंडम आधार पर लिए जा चुके हैं, जिसमें से हमको 41 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है और 41 नमूनों में 18 नमूने दूध के मानक के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। मतलब उसमें फैट और जो SNF की मात्रा होनी चाहिए वो उस लेवल में नहीं है। उन सभी के खिलाफ आगे मुकदमा पंजीकृत कराने की कार्रवाई या तो कर दी गई है या की जा रही है। मऊ में इससे पहले भी दूध में मिलावट की बात सामने आई थी और कुछ दूधियों को केमिकल मिलाते हुए पकड़ा गया था, लेकिन दूध में पानी मिलाने के मामले पर जिला प्रशासन भी सोच रहा है कि क्या कार्रवाई करें। मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट।